कम से कम जी ये सरकार वाह वाही लूट रही है कि हमने अपनी तरफ से एक तरीके से उसको सहयोग किया है, भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट किया, इसलिए हमने उसको रिहा किया। क्या ये बात भी आप क्लियर करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जाने के बाद में राज्य सरकार, जिसको योगी सरकार कहा जाता है, या यहाँ के सहारनपुर के डीएम को या एसएसपी को जो फटकार लगी है, तो तब आपको रिहा किया गया? देखिए चीजें स्पष्ट हैं, माननीय न्यायालय में हमारी पूर्ण आस्था है और उम्मीद है कि वहां से न्याय को कोई रोक नहीं सकता। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा था और हाई कोर्ट ने हमें बेल दी थी जी, उन्हीं मुकदमे पे राष्ट्रीय का लगाई गई, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं। जिसमें कोर्ट कह रहा है कि नहीं इसे लड़के को रिलीज करिए, ये सही है, इसके ऊपर ये इल्जाम जो झूठे है, और फिर आपने राशु का लगा दी तो फिर उस कोर्ट से न्याय नहीं मिला। मान सकते हैं कुछ खामियां रहे, कुछ प्रेशर रहे होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक न्यायालय का मंदिर है और जब वहां अर्जी दी गई, जहां वहां नोटिस हुए, तो सरकार की को दिक्कत हुई क्योंकि इनके एडवोकेट ने 3 दिन पहले ये इंटीमेट किया सरकार को कि कुछ एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सरकार की फटकार लगने वाली है। और चंद्रशेखर का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है, दलितों की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला बहुजनों की जी, तो अगर इसमें तुम्हें फटकार लगी तो ये लोग तो ये खिलाफ खड़े हुए ही है, वैसे में तुम्हें 2019 में बड़ा नुकसान वाला है। तो 14 तारीख इसमें लगी हुई थी और 14 तारीख हमें उम्मीद थी कि 14 तारीख में न्याय मिलता, तो इन्होंने 13 की रात को अचानक में आनंद फान में ये आदेश जारी कर दिया। और वो आदेश जब जारी हुआ तो उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर इसका एहसान मान लेगा, लेकिन मैं एहसान मानू 1.5 महीने का या 10.5 महीने जो मुस्लिम निर्दोष से कटवा दे गए, तो मुझे पता है ये इनकी साजिश थी। और मैंने, मुझे तो ये भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जिस तरह का डर इनके अंदर मेरा बना हुआ है, जैसे कैराना उपचुनाव में इन्होंने मेरे एक पत्र को नहीं है झेल पाते पूरी सरकार मिलकर, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता 10 दिन बाद कोई मुकदमा है, 20 दिन बाद कोई मुकदमा लगा के कहीं कोई घटना करवा के उसमें चंद्रशेखर का नाम जोड़ के दोबारा से जेल में ना डाल दें जी। और कहा भी है, आपको मैं 3 स्टेटमेंट बताऊं, महेंद्र पांडे सिंह जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई बात होगी तो चंद्रशेखर को जेल में डाल देंगे जी। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री, जो मेरे भाई हैं जी, जो उसी वर्ग से जिस मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, बहुजनों के नेता हैं, बहुजनों के नेता गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर कोई मामला हो चंद्रशेखर को जेल भेज देंगे जी। और नरेंद्र सिंह है कोई विधायक है भाजपा के, वो कह रहे हैं रावण का वध कर देंगे, तो मुझे समझ आता है कि ये धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये धर्म के नाम पे खाने वाले लोग हैं। तो क्योंकि हम धार्मिकता से बच, धार्मिकता में रहेंगे तो हमारा काम विकास हो ही नहीं पाएगा जी। तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ कि इनकी बातों में मत आओ, ये छोटे छोटे षड्यंत्र रखे हमें फंसाने काम करने।